इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोल्ड क्या होता है। इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में हम कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें बनाने के लिए हमको सबसे पहले मोल्ड की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोल्ड क्या होता है, इसको मोल्ड या डाई दोनों नाम हम दे सकते हैं, कि मोल्ड या डाई ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, मोल्ड का एक सेफ देने का कार्य होता है। कोई भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, उस प्लास्टिक मटेरियल को एक लिमिट टेम्परेचर पर हीट करके उस मोल्ड में हम इंजेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा एक सेफ में तैयार हो जाता है। तो वही मोल्ड होता है। मोल्ड एक टूल होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें हम प्लास्टिक के मटेरियल को मेल्ट करके इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, जो एक शेप में तैयार करता है, उसको हम मोल्ड बोलते हैं। अच्छा, मोल्ड का काम क्या होता है इसको देखते हैं। मोल्ड वर्क क्या होता है। मोल्ड का वर्क क्या होता है कि ये क्या करता है, जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक लिमिट टेम्परेचर पर उसको हम गर्म करके प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में स्क्रू के द्वारा इस मोल्ड में हम ट्रांसफ़र करते हैं। जो यह मोल्ड जो हमारा होता है एक सेफ देने का काम करता है। मतलब जिस तरह का हम मोल्ड यूज करेंगे उस तरह का ये हमारा सेफ दे देता है, उसी को मोल्ड बोलते हैं। अब मोल्ड का काम ही होता है कि कोई सेफ में तैयार कर देना। अगर मान लीजिए हम कोई बॉगेट हो या ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, जिस तरह का सेफ देना चाहते हैं उस तरह का हम मोल्ड या डाई हम यूज करते हैं, जिसके द्वारा हमारा उस सेफ में तैयार हो जाता है। तो मोल्ड का पहले बोलेंगे मोल्ड क्या होता है। तो मोल्ड एक टूल होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका काम क्या होता है, मोल्ड का काम होता है कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल को एक शेप में तैयार करना, उसको मोल्ड का कार्य होता है। अब देखेंगे कि मोल्ड का फंक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस मोल्ड के बारे में देखेंगे कि मोल्ड के में क्या क्या आता है। देखिए, पहले देखेंगे मोल्ड ऑफ फंक्शन। मोल्ड के फंक्शन नेम सबसे पहले देखिए। मोल्ड के फंक्शन, एक यह मोल्ड हो गया हमारा, ठीक, ये मोल्ड हो गया, इसको हम बोलते हैं मोवेबल प्लेट। क्या होता है, ये जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, टाई बार होती है, टाई बार पर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता रहता है, उसको हम मोवेबल प्लेट बोलते हैं, ठीक। और ये हो गया हमारा क्या, फिक्स प्लेट, इसको हम फिक्स प्लेट के नाम से जानते हैं। फिक्स प्लेट पर ही हमारा लोकेटिंग रिंग लगी होती है, इसको हम बोलते हैं लोकेटिंग रिंग होता है। लोकेटिंग रिंग क्या करता है, ये सेंटरिंग देने का काम करता है। अगर हम इस मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लोड करते हैं तो ये सेंटरिंग देने का काम करता है, लोकेटिंग रिंग, ठीक। ये हो गया हमारा फिक्स प्लेट, ये हो गया मोवेबल प्लेट, और इसी में हमारा कंपोनेंट बनता है। देखिए, ये हो गया कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट हो गया, जो इस आगे की तरफ रनर जो इंजेक्शन करके जो अंदर की तरफ पहले फिलिंग होती है, इसी को हम स्प्रू बोलते हैं। ये हो गया स्प्रू, इसी में रनर रहता है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट को इंजेक्ट करने के लिए इजेक्टर लगी होती है, इजेक्टर रॉड, ये दोनों हमारा क्या है, इजेक्टर रॉड है,
इजेक्टर रॉड के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या करता है इजेक्टर रॉड, जब पार्ट हमारा इसमें फिल हो जाती है और बन जाता है तो इसी के द्वारा पार्ट को हम इजेक्ट करके बाहर की तरफ निकालते हैं। इस प्रोडक्ट को, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, फिक्स प्लेट हो गया, मोबाइल प्लेट हो गया, इजेक्टर रॉड हो गई, एक कंपोनेंट हो गया, एलोकेटिंग रिंग हो गई। ठीक, इस जो इजेक्टर पिन होती है, इजेक्टर रॉड या पिन जो भी बोल सकते हैं, ये दोनों होते हैं, जिस प्लेट से जुड़ी होती है, जिस प्लेट पे वो रखा रहता है या जुड़ा होता है, उस प्लेट को हम इजेक्टर प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर प्लेट हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मोल्ड का फंक्शन का उसका नाम है। उसमें कौन कौन सा फंक्शन आते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है फिक्स प्लेट। ये फिक्स प्लेट हो गई जो एक फिक्स रखता है, मूव नहीं करता है, इसको हम फिक्स प्लेट बोलते हैं। ये हो गया हमारा मोबल प्लेट, जो आगे की तरफ मूव करता रहता है, उसका मोबल प्लेट बोलते हैं। मोबल प्लेट में ही हमारा इजेक्टर रॉड होती है जो इजेक्टर प्लेट से जुड़ी होती है। ये कंपोनेंट हो गया, जो आगे की तरफ पोर्शन निकला होता है उसको हम रनर बोलते हैं, और उसके आगे का रहता है वो स्प्रू होती है, और ये हमारा कंपोनेंट हो गया। तो इस वीडियो में हम देखें कि मोल्ड का कार्य क्या होता है, मोल्ड क्या होती है और मोल्ड का फंक्शन क्या होता है, इस सभी टॉपिक को इस वीडियो में हमने देखा। ओके।